हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और दिवाली की तैयारी करने में लगे होंगे। तो यहाँ दोपहर का समय हो रहा है और मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच हो गया था और भी सारा काम था, वो सब हो गया था मेरा। उसके बाद मेरे पास ये रंगीन पेपर था, तो मैं सोच रही थी कि चलो इस पेपर से कुछ मैं बना लेती हूँ। तो दिवाली पर डेकोरेट करने के लिए मैं इस पेपर से कागज़ की डिज़ाइन बना रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए कि मैं डिज़ाइन कैसे बना रही हूँ, और आप लोगों को दिखाऊंगी भी बना के। आप लोग भी सीखकर बना सकते हैं ऐसे मार्केट से पेपर लाकर, क्योंकि देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पर पेपर को कट कर रही हूँ। कट करने के बाद मैंने इसको चार बार फोल्ड कर ली हूँ, और उसके बाद इस कटोरी को रख के इसी का शेप में कट करूँगी। आप बड़ी छोटी कोई भी कटोरी का शेप कट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप किसी भी चीज़ का ढक्कन से भी कट कर सकते हैं। तो मैं इस कटोरी का शेप नाप के उसके बाद कट कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा पेपर कट हो चुका है और उसके बाद मैं फोल्ड कर रही हूँ। आप चाहें तो एक एक फोल्ड करके भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ दो पेपर को एक साथ फोल्ड करके कट कर रही हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। और इसको तीन बार फोल्ड करना होता है, और तीन बार फोल्ड करने के बाद आपको दोनों साइड से काटना पड़ता है। पहले एक तरफ से काटते हैं, फिर उसके बीचों बीच भी दूसरी साइड से काटते हैं, फिर उसके बाद खोलते हैं तो डिज़ाइन बन के रेडी हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं वीडियो में कैसे कट कर रही हूँ, और इसको अब खोल रही हूँ पेपर को। तो खोलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है पेपर। तो फ्रेंड्स, मैं डिज़ाइन को काट ली हूँ। उसके बाद चारों तरफ मैं फेविकोल की मदद से चिपका दी हूँ। उसके बाद देखिए, मेरा डिज़ाइन कुछ ऐसा बन के रेडी हुआ है। और उसमें मैं धागा लगा दी हूँ एक, जो टांगने के लिए काम आएगा। उसके बाद मेरे पास जितने ए पेपर बचे हुए हैं सबको मैं ऐसे ही काट लूँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली मेरा डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और आप लोग भी ऐसे
ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं दिवाली पर डेकोरेट करने के लिए, और अपने हाथों से कुछ बनाकर डेकोरेट करते हैं तो उसकी खुशी जो मिलती है बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं। तो जो लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने में एक भी पैसा नहीं लगता है। और जो एक कटोरी से मैंने कट की थी तो वो डिज़ाइन बचा था तो मैं वहाँ पर लगा दी हूँ। और यहाँ शाम के टाइम एक अंकल आए थे तो मैं कुछ सामान खरीदी हूँ प्लास्टिक की, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगी। तब तक के लिए बाय।